गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को 12:30 बजे हम लोग होटल में पहुंचे, होटल सनशाइन में। यहाँ पे आके क्या हुआ कि जो है रात को दरवाजा नहीं खुल रहा था, मेन डोर पे लॉक किया हुआ था। तो एक्चुअली हम लोग पहले आए थे वो दुर्गा माँ का जो सामान था वो खरीदने के लिए आए हुए थे, इसलिए परिचित था। तो हम उसको बोले तो 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद फिर अंदर आने को दिया। तो जैसे भी वो रात को हम लोग आप लोगों को दिखाए कि हम लोग डिनर करके आए थे, इसीलिए उसी में हम लोग बच गए। तो होटल से पानी पिए और नहा धो रेडी होने में करीब रात को 2:30 बज गया। तो सुबह अभी 11 बज रहा है, रात को हम लोग को होटल छोड़ना होगा। तो आप लोग देख रहे हैं SS ट्रैवल ब्लॉग्स, मैं हूं आपका सुमित, और बने रहिए साथ में। आज हम लोग बहरमपुर में हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे तारामा माँ तारा होटल में खाने के लिए जाएंगे, वहाँ से लंच करेंगे। आज के सुबह नाश्ता नहीं हुआ, 2 कप चाय पिए बस हो गया। तो एग्जॉशन 450 किलोमीटर करीब 450 किलोमीटर कल हम लोग दार्जिलिंग से नीचे यहाँ तक आए। रोड का कंडीशन बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, 2 जैकेट पहनने के बाद भी ठंडा लग रहा था। तो स्टे ट्यून्ड, अभी हम लोग जाएंगे माँ तारा होटल में खाना खाने, लंच करेंगे, वहाँ पे फिर निकलेंगे यहाँ से कलकत्ता के लिए। आप लोग खाना खाने के वहाँ दिखा के फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं रोड में GoPro में। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। आप मेरा जो दोस्त हैं जो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो जहाँ जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया, यूक्रेन हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब दादा भाइयों दोस्तों को नमस्कार। अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं होटल से, अभी लंच करने के लिए निकल रहे हैं। सो साथ में बनी रही है गाइस। यहाँ पे पैसा पेमेंट कर दिया होटल में, तो जो बिल आया उसमें 999 का बिल आया है, 999। तो उसमें क्या है कि पहले हम लोग 1300 या 1400 रुपये में ऐसे कुछ थे, उसमें 10% डिस्काउंट था। इस बार 999 विदाउट GST, इसमें GST नहीं लगता है। सो ये बिल हमको दिया है, और आप इतना खाना खाए हैं कि 72 रुपया बिल आया है, 4 कप चाय और एक पानी का बोतल ये आया है। तो चलिए जो भी होता है सही होता है, काम हो गया अपना, चलिए निकलते हैं। निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, निकल रहे हैं, हो गया ये काम, निकलते हैं अपना टाइगर के पास चलते हैं, रेडी होके फिर खाना खा के फिर निकलेंगे। तारामा माँ तारा होटल में आ गए, आके हम लोगों को खाने का ऑर्डर दिया था, खाने का ऑर्डर आ गया, बंगाली का माछ भात, दाल भात, भात दिया, दाल दिया, 2-3 सब्जी दिया, आलू भुजिया दिया, नींबू दिया, प्याज दिया, और एक सब्जी दिया, 3-4 आइटम मिला है। अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। कत्ता मछली लिया है, इसका फापा दिया है, ऑसम कलर है, इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। 230 रुपया बिल हुआ है, दोनों का खाने का बिल हुआ है 230 रुपया, उसको दे दिए हैं। अभी देखिए फिर यहाँ से होटल जाएंगे और पैकिंग करके निकलेंगे। अभी हम जाने के लिए तैयार है, अभी निकलेंगे बहरमपुर से कोलकाता। और ये देखो, ये बैग को रस्सी से बांधा जा रहा है गाड़ी में। अभी लेके प्रभु का नाम जय माँ तारा बोल के अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फिर होटल से हम लोग निकले, फिर हम लोग मेन रोड की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से आगे जाके लेफ़्ट टर्न लेंगे हम लोग। एक्चुअली हम लोग शहर के अंदर में आ गए थे, तो होटल सनशाइन में, तो अभी यहाँ से होटल बढ़िया था, ठीक था। तो यहाँ से फिर निकलेंगे आगे जाके, जो रोड देख रहे हैं आगे जाके एक मोड़ आएगा, मोड़ से बाएं तरफ लेने से फिर हम लोग को हाईवे मिलेगा। अभी फिर आगे जाके हम लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं हाई रोड पे, तो यहाँ से रोड सही है, लेकिन आगे जाके हम लोग को ऐसा रोड नहीं मिलेगा, तो
आगे जाके रूट खराब होने वाला है, तो अभी जस्ट आगे चल रहे हैं। इसके आगे आएगा हम लोगों का टोल टैक्स, ये देखिए टोल टैक्स आ गया। और यहाँ से फिर किशनगढ़ जो है, यहाँ से मोटा मोटी एक घंटा के करीब लगेगा। ये एक्सप्रेस हाईवे के लिए लास्ट, ये लास्ट टोल टैक्स है। अभी तक जो हम लोग टोल टैक्स क्रॉस किए आपका सिलीगुड़ी से यहाँ तक, मोटा मोटी मेरे हिसाब से 700 टोल टैक्स है। ये 7 टोल टैक्स में हर जगह में 60 से 80 रुपये का टैक्स होता है, लेकिन टू व्हीलर में हम लोग को ये टैक्स नहीं लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं किशनगर की तरफ, वहाँ पे जाके शंकर जो है स्वीट्स में जाएंगे और दिखाएंगे। हम लोग शंकर स्वीट्स में आ गए, फिर यहाँ से थोड़ा सा नाश्ता किए और चाय पिए, थोड़ा सा घर के लिए मिठाई भी ले लिए, बच्चा सब घर में है इसलिए थोड़ा सा मिठाई भी ले ली। यहाँ से चालू कर अपना जर्नी लेके प्रभु का नाम करके हम लोग निकले। यहाँ से निकल के हम यहाँ से फिर जा रहे हैं आगे, दाहिने तरफ में जाएंगे, किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाएंगे। यह एक्सप्रेस हाईवे, ये भी एक्सप्रेस हाईवे ही है, इसके ऊपर ही मिठाई का दुकान है। फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, रोड कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ ब्रिज बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ बाएँ तरफ कुछ ब्रिज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे रोड कंडीशन सही नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली पूरा जर्नी में आपको रोड कम इसलिए दिखाया कि रोड ज़्यादा दिखाने से क्या होता है कि आगे हम लोगों का एक वीडियो ऑलरेडी कलकत्ता को बहरमपुर मुर्शिदाबाद बोल के वीडियो चार, वहाँ से तारापीठ, इसका चार वीडियो का एक सीरीज़ बना हुआ है ऑलरेडी हम लोगों के यूट्यूब चैनल में। तो इसीलिए आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए हम लोग रोड आप लोगों को नहीं दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए। तो इसी कारण से कि हम लोग जो है पूरा टूर में जो 680 किलोमीटर जर्नी की है, इसमें हम लोग चाहते तो बहुत रोड दिखाते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए इसको कम किए। तो प्लीज़ जो है पूरा वीडियो को देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, अपना फैमिली में शेयर कीजिएगा, दूसरे को दिखाइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो ये जो जर्नी करते हैं, ये जो टूर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ये इसमें जितना जो होता है तो उस पर अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्या होता है एंथू मिलता है कि कुछ हम लोग कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। और अगर आप लोग स्किप कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ख़राब लगता है, दिल में थोड़ा सा चोट पहुँचता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इशू। अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जो है ये कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उसमें शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं टिल डेट तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन को ऑल को घंटी को ऑल कीजिएगा, तो क्या होगा जब भी हम लोग यूट्यूब में वीडियो डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये सब सिस्टम है, तो प्लीज़ डू स्टे विथ अस। इतना तक बोल के ही आज का वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं, आगे जाके जब तक घर पहुँचेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो दिखा देंगे। तो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए, जर्नी कीजिए। अगर आप लोगों को अपना ए भाई तो बीच में कहा जाता भाई, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा एंजॉय कीजिए करके, अगर कुछ आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, कुछ भी लगे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम लोग आप लोगों को सुनने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि हम लोग 5-10 दिन 15 दिन में गोवा और बॉम्बे का भी टूर करें, ये प्रोग्राम हम लोगों का अभी हिसाब में है, बन रहा है प्रोग्राम। तो अगर होता है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, साथ में रहिए, हम लोग जाएंगे और आप लोगों को फिर हम लोग दिखाएंगे, बॉम्बे और गोवा भी कवरेज करेंगे। वो थोड़ा सा लंबा टूर होगा, उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा आएगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे विथ अस। थैंक यू, आज के लिए इतना तक। गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अभी 7:45 बजा है, अभी वापसी हो रहा है, मतलब सुबह आप दोपहर को 1 बजे निकले हुए थे और अभी आपका 7:45 बजा है। बहुत रोड कंडीशन किशनगर से कोलकाता वाला जो रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, 4 लेन 2 लेन सब बन रहा है, वो बना नहीं है, हर जगह पे काम चल रहा है, तो पूरा रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड। सो जैसे भी हो हम लोग जर्नी अपना ख़त्म किए, फिर मिलते हैं।
दूसरा वीडियो में दूसरे स्पॉट पे दूसरे जगह पे। थैंक यू एंड गुड बाय। होप आप लोग अच्छे रहिएगा और आशीर्वाद कीजिएगा। थैंक यू बाय।